हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर मखाने की खीर। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मखाने की खीर बनाने के लिए हमने एक कप मखाने लिए हैं, इसका वज़न तकरीबन 25 ग्राम है। हमने जो मखाने लिए हैं उसको हम छुरी की मदद से काट लेंगे और इस तरह से हमें उसके छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। अब हमें इन मखानों को रोस्ट कर लेना है। मखानों को सेकने के लिए हमने पैन में 1/2 टेबल स्पून घी लिया है। घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। घी जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें सारे मखाने ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। हमें लो फ्लेम पर मखानों को तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और ये थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए इनका कलर चेंज होने तक हमने 2 मिनट तक लो फ्लेम पर मखानों को रोस्ट कर लिया। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। खीर बनाने के लिए हम एक बर्तन में 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के दरमियान हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे लग ना जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें एक उबाल आ चुका है। एक बार इसे चला लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को लो करके इसमें ऐड कर देंगे रोस्ट किए हुए मखाने। देखिए, हमने मखानों को घी में रोस्ट किया था। अगर आप चाहें तो घी के बगैर भी इनको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। इसमें मखाने ऐड किए हुए अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं। एक बार इसे चेक कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो हमने 1 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका 1/4 यानी कि 1/2 हिस्सा रिड्यूस ना हो जाए। हमने इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लिया। आप देख सकते हैं कि इसका 1/4 हिस्सा रिड्यूस हो चुका है और 10 मिनट पकने के दौरान हमने इसे बीच बीच में चेक भी किया था। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने ऐड की है 3 टेबलस्पून चीनी। साथ ही में फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी इलायची पाउडर। देखिए, आप इलायची पाउडर की जगह 2 हरी इलायची को कूट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। चीनी और इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पका लिया। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे सर्व कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है हेल्दी और टेस्टी मखाने की खीर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।